छात्रों का एक बड़ी खबर का, यूपी सरकार का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। प्रयागराज में बाहुबली विजय मिश्रा का घर गिराया गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने आधी रात को यह कार्रवाई की है। चंद सेकंड में गिर गया विजय मिश्रा का आशियाना। बिल्डिंग की चपेट में जेसीबी भी आ गई। हालांकि इस दौरान तस्वीरें दिखा रहे हैं, आधी रात को यह डिमोलिशन हुआ है। बाहुबली विजय मिश्रा का यह आलिशान घर गिरा दिया गया। चंद सेकंड का वक्त और पूरी इमारत धड़ाम हो गई। हालांकि मलबे में जेसीबी मशीन भी दब गई जिसको डिमोलिशन में यूज किया गया था। यूपी सरकार का ऑपरेशन क्लीन, जहां पर माफियाओं और बाहुबलियों की अवैध संपत्तियों को ढाने का काम यूपी सरकार कर रही है, कुर्की की जा रही है अवैध संपत्तियों की, और इस तरह के अवैध जमीनों पर कब्जे करके या इमारतें खड़ी करके जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई थी उन सबको डिमोलिश कर रही है यूपी सरकार। बाहुबली विजय मिश्रा का घर प्रयागराज में गिरा दिया गया। आधी रात को इस कार्रवाई को अंजाम दिया है प्रशासन ने। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से प्रशासन ने इस घर को ढा दिया है चंद सेकंड और ये घर धड़ाम हो गया। हालांकि जेसीबी मशीन भी इसकी चपेट में आ गई। क्या कोई और जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ? बिल्कुल, कल शाम 5:15 बजे के आसपास ही कार्रवाई शुरू हुई थी और उसके बाद देर रात तक जारी रही। रात को करीब आधी रात के वक्त जब कार्रवाई चल रही थी तो उसी वक्त नीचे के जो सारे पिलर्स होते हैं जब वो टूट गए तो पूरी जो इमारत थी वो अचानक जो है भरभरा कर नीचे गिर गई। हालांकि उसकी चपेट में जो है जेसीबी मशीन भी आ गई, लेकिन उसमें जो ड्राइवर था जो और कर्मचारी थे वो पूरी तरह सुरक्षित रहे। बाद में उन्हें दूसरी मशीनों के जरिए और जो राहत दल होता है उसके जरिए बाहर निकाला गया तो सब सुरक्षित है। और कहा जा सकता है कि ऑपरेशन टीम के तहत जो उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है, बिल्कुल कार्रवाई चल रही है और एक एक करके उन सभी बाहुबलियों और उनकी अवैध संपत्तियों को ढाने का काम यूपी सरकार कर रही है। और दरअसल ये ऑपरेशन क्लीन है और उसके पीछे संदेश भी साफ है कि अब कोई नहीं बचेगा जिसने इस तरह की बेनामी और अवैध संपत्ति जोड़ रखी है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका मोहित। बाहुबली विजय मिश्रा का घर गिराया गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने आधी रात को यह कार्रवाई की है। चंद सेकंड में गिर गया विजय मिश्रा का आशियाना। बिल्डिंग की चपेट में जेसीबी भी आ गई। हालांकि इस दौरान तस्वीरें दिखा रहे हैं, आधी रात को यह डिमोलिशन हुआ है। बाहुबली विजय मिश्रा का यह आलिशान घर गिरा दिया गया। चंद सेकंड का वक्त और पूरी इमारत धड़ाम हो गई। हालांकि मलबे में जेसीबी मशीन भी दब गई जिसको डिमोलिशन में यूज किया गया था। यूपी सरकार का ऑपरेशन क्लीन, जहां पर माफियाओं और बाहुबलियों की अवैध संपत्तियों को ढाने का काम यूपी सरकार कर रही है, कुर्की की जा रही है अवैध संपत्तियों की, और इस तरह के अवैध जमीनों पर कब्जे करके या इमारतें खड़ी करके जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई थी उन सबको डिमोलिश कर रही है यूपी सरकार। बाहुबली विजय मिश्रा का घर प्रयागराज में गिरा दिया गया। आधी रात को इस कार्रवाई को अंजाम दिया है प्रशासन ने। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से प्रशासन ने इस घर को ढा दिया है चंद सेकंड और ये घर धड़ाम हो गया। हालांकि जेसीबी मशीन भी इसकी चपेट में आ गई। क्या कोई और जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ? बिल्कुल, कल शाम 5:15 बजे के आसपास ही कार्रवाई शुरू हुई थी और उसके बाद देर रात तक जारी रही। रात को करीब आधी रात के वक्त जब कार्रवाई चल रही थी तो उसी वक्त नीचे के जो सारे पिलर्स होते हैं जब वो टूट गए तो पूरी जो इमारत थी वो अचानक जो है भरभरा कर नीचे गिर गई। हालांकि उसकी चपेट में जो है जेसीबी मशीन भी आ गई, लेकिन उसमें जो ड्राइवर था जो और कर्मचारी थे वो पूरी तरह सुरक्षित रहे। बाद में उन्हें दूसरी मशीनों के जरिए और जो राहत दल होता है उसके जरिए बाहर निकाला गया तो सब सुरक्षित है। और कहा जा सकता है कि ऑपरेशन टीम के तहत जो उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है, बिल्कुल कार्रवाई चल रही है और एक एक करके उन सभी बाहुबलियों और उनकी अवैध संपत्तियों को ढाने का काम यूपी सरकार कर रही है। और दरअसल ये ऑपरेशन क्लीन है और उसके पीछे संदेश भी साफ है कि अब कोई नहीं बचेगा जिसने इस तरह की बेनामी और अवैध संपत्ति जोड़ रखी है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका मोहित।